हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चले बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट कर लिए थे, आज जो हम लोग को एक्सरसाइज 2.3 करना है 2.3 करना है। और 2.3 में देखो हमें क्या पढ़ना था। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन पुट करना है कि जो नंबर्स ग्रेटर है उधर का। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या है, 99,875, और ये है 9,785। तो ये बता, 9,800 आ रहा है, यानी कि 800 बड़ा हुआ है या 700 बड़ा हुआ है। 800, तो ये 9,875 बड़ा है, तो हम लोग इधर का साइन लगा देंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे है 10,037, ये क्या है 10,037, ये क्या हुआ 10,038। तो 37 बड़ा है या 38 बड़ा है, आप बोलोगे सर 38 बड़ा है, तो हम लोग इधर का साइन पुट कर देंगे। इसी तरह से करना था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 12,015, और ये 13,015, तो 13,000 बड़ा हुआ था, इधर का साइन पुट कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से करना है 98,376, या फिर 98,589, तो कौन सा बड़ा है 98,589, तो इधर का साइन आ जाएगा। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स देखो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस में क्या करना था और किस तरीके से क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करना था, ठीक है। इसी तरह से आप लोग, आई थिंक इसी तरह से आप लोग का बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फर्स्ट का, आई थिंक आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वारी रहता है, तो आप लोग प्लीज हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता, ताकि आपके अगली क्लास में वो डाउट जरूर क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में जो था, देखो क्वेश्चन नंबर टू में जो था, क्वेश्चन नंबर टू में है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर टू में हमें नंबर्स दिया हुआ है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख के अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे जो छोटा नंबर होता है उसे हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा उसके बाद, जो उसके बड़ा उसके बाद। देखो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम दूसरी भी वीडियो अपलोड कर देंगे आपकी, जो हम प्रीवियस आपको जो फर्स्ट टाइम्स कराए थे, तो वहाँ से भी आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग समझ लेना। वहाँ भी हम बोर्ड पे लिख के अच्छे समझा रखे, यहाँ पे आपके थोड़े रिवीजन हो रहा है, तो इस वजह से हम दोबारा टाइमिंग क्वेश्चन लिखना ये करना उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कम टाइम लगे आपकी शॉर्ट वीडियो हो, ताकि आप लोग फिर दोबारा से खुद से जल्दी कर सको, क्योंकि आपको खुद से रिवीजन करना है। हम ऑलरेडी एक बार पहले सारा क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप लोग इस तरह से करोगे। देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है 6,607, सेकेंड में लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट में जो था फर्स्ट में लिखा हुआ है ये 6,607, और ये क्या है स्टूडेंट 60,067, ये है 60,006, और ये 6,007। पहले तो देखो ये 60,000 था, ये 67,000 है, और ये दोनों 6,000 है, ये दोनों क्या है 6,000 है। अब 6,000, ये है 6,607, ये है 6,007, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में है, तो चूंकि सबसे छोटा यही है 607, तो हम लोग पहले इसे लिखेंगे, आफ्टर देन हम लोग लिखेंगे 6,607 को, क्योंकि देखो ये चार चार डिजिट था, यहाँ से ये क्या है 5,5 डिजिट। अब ये 60,067 और 67,000 से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो हम दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोग लिखोगे 6,007, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखोगे 6,607, उसके बाद जो आप लोग लिखोगे 60,067, ये जीरो है। उसके बाद क्या था लास्ट वन 6,706, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा था ये सारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा पहले लिखे, इस तरह से आप लोग ना साइन भी इस तरह से यूज कर सकते हो पहले, कि ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, और ये सबसे बड़ा ये था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग साइन भी पुट करके कर सकते हैं। इसी तरह से देखो हम बी का भी करके बता देते हैं। बी में है 45,605, ये है 5,640, फिर ये है 54,560, और ये है 65,000। देखो सबसे छोटा तो ये सिर्फ 5,000 आ गया, तो ये है, और उसके बाद देखो इसमें से छोटा क्या है, ये 45,000 छोटा है, उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है 54,000, उससे बड़ा है 65,400। तो पहला आंसर में आएगा 5,640, ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्शन में आएगा 45,605, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन में आएगा 54,000, 54,500
60, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन में आएगा लास्ट वन 65,450, ठीक है। 450 था ये, 400, ये 450 है। क्या है ये स्टूडेंट्स, ये जो था 450 है, 450 है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, इस तरह से आप लोग साइन भी पुट कर लेना कॉपी में, ठीक है। इस तरह से जो नंबर बड़ा था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से क्या करना है, इसे हमें डिसेंडिंग यानी कि इस बार सबसे जो बड़ा नंबर है आप लोग उसे पहले लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर को लिखना है। तो आई थिंक देखो आप लोग थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे, क्योंकि आप लोग जब छोटा नंबर और बड़ा नंबर को पहचानना सीख गए हैं तो आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग कर लोगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी पूरा आपको होमवर्क में करना है। और फाइव क्वेश्चन में देखो क्या था, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर दिया हुआ, इसमें से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर क्या है आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स क्या, कि देखो ये है 8,007, ये है 8,070, ये है 80,070, ये है 8,700। तो देखो ये 8,070 और 8,007 सबसे छोटा 8,000 है, क्योंकि 87 ये 8,700 आ गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की अगर जो हम बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से आप लोग लिख लोगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आप लोग कॉपी में आएगा पूरी जगह लिख लोगे। सबसे छोटा नंबर क्या था, 8,007, क्या था 8,007। फिर लार्जेस्ट नंबर क्या लिखोगे, लार्जेस्ट नंबर, ओके। लार्जेस्ट नंबर में आप लोग क्या लिखोगे, लार्जेस्ट नंबर, एनओ से नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर में क्या था, लार्जेस्ट नंबर में था 80,070, क्या था स्टूडेंट्स 80,070, ठीक है 70। इस तरह से यहाँ देखो लिख देते हैं 80,070, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नंबर था और सबसे छोटा नंबर था 8,007। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है, सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज दैट राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट। ये जो डिजिट है इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, ये जो डिजिट आपको दिख रहा था 40982, इससे सबसे बड़ा नंबर बताना। तो सबसे बड़ा नंबर मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ा उसे पहले लिखोगे, सबसे बड़ा 9 है, फिर है 8, फिर है 4, फिर था 2, सबसे लास्ट में 0 लिखेंगे। तो 98,450 लार्जेस्ट नंबर है, ये हो गया। अल लिखे लार्जेस्ट नंबर आप लोग लिख के फिर ये लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चंस में अब ये था क्वेश्चन नंबर, देखो ये था सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या था, सिक्स में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 907 एंड 7 रिपीटिंग टू टाइम्स। 90 यानी कि आपको ये बोला था कि 7 से सबसे छोटा नंबर बनाना है जो 7 को दो बार रिपीट करोगे। तो देखो यहाँ पे तो 3 ही जीरो है, 907। एक हम इमेज पहले भी हम बता रहे हैं, ध्यान दे देना। अगर जो मान लो छोटा इस तरह से लिखोगे 0 दो बार 7, क्योंकि दो बार 7 बोला 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 आगे का वैल्यू होता नहीं है, ये तो 3 डिजिट का ही नंबर रहा। पहले हम आगे 7 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले दो बार 7 लिख देंगे फिर 0, नहीं एक ही बार लिखना है, 0 को जस्ट एक नंबर के बाद आपको लिख देना है बस, क्योंकि आगे 0 का वैल्यू नहीं होता, जस्ट उसके बाद जो होगा 0 तो उसका वैल्यू होगा। तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का बनेगा ना, जो 7 का रिपीट करके, तो ये होगा 7079। और ये वाला हम बताए पहले ही आपको, ये गलत हो जाएगा कहीं कोई बच्चे इस तरह से लिख दें। तो ना उसके बाद जो था देखो, इससे हमें 5 डिजिट का नंबर बताना था जिसे हम लोग रिपीट कर सके, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। बड़ा नंबर में क्या करना है ना आपको, बड़ा नंबर में क्या करना है, जो बड़ा डिजिट है अगर जो उसी को रिपीट कर सकते हो, जैसे इसमें तो 1, 2, 3, 5 डिजिट ऑलरेडी है, तो इसे हम कुछ नहीं रिपीट करेंगे, सीधा लिख देंगे, सीधा लिख देंगे 87431, ये आंसर हो जाएगा 87431 ग्रेटेस्ट नंबर। बी में आप लोग देख रहे हैं 5038। हम बताए थे जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो रिपीट जब करने का कंडीशन है तो आप लोग ग्रेटेस्ट नंबर को ही रिपीट करना, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसी को। जैसे यहाँ पे बी है, ये 4 डिजिट है, हमें 5 लिखना है, तो एक नंबर को दो बार लिखना पड़ेगा, तो उसे किसे लिखेंगे हम, 8 को दो बार लिखेंगे, किसे 8 को दो बार लिखेंगे, 88530। लास्ट में हम लोग 0 लगाएंगे क्योंकि पीछे 0 का वैल्यू होता है बट आगे नहीं होती थी,
8883 0। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखो आप लोग सी क्वेश्चंस में क्या था, 3 डिजिट है, हमें 2 डिजिट और लाना, यानी कि को एक नंबर को 2 बार और लिखना पड़ेगा। तो पहले 6 है, 6 को ही 2 बार और लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर ये बनेगा। अब जो 3 को आप लोग रिपीट कर दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसी तरह से बनेगा। अब जैसे 217 था, तो 217 को क्या करोगे आप लोग, 7 को पहले 2 बार और लिखोगे, उसके बाद 21, तो ये बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था करना क्वेश्चंस में और किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द 3, 4, 2 ओनली वंस एंड दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 डिजिट का जितने भी नंबर बन रहा है आपको लिखना है, तीन डिजिट का जितने भी नंबर बन रहा है आपको लिखना है, फिर उसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा को पहले। तो जैसे पहले हम बात कर ले, जैसे एक तो 3, 4, 2 एक नंबर तो यही बन रहा था, दूसरा नंबर बन रहा था 3, 2, 4। 3 आगे रख के देखेंगे तो इसी तरह से नंबर रखेगा। अब दोबारा से आप लोग 4 रख के देखो, 4 रख के देखो तो क्या आ जाएगा, 4, 3, 2 और 4, 2, 3, इससे तो आगे नहीं बन रहा होगा। अब आपको 2 रख के देखना है, तो 2 आगे रख के देखोगे तो 2, 4, 3 और 2, 3, 4। आई थिंक इससे ज़्यादा नंबर नहीं बन रहा है बिना रिपीट किए। ठीक है, वो एक नंबर को एक ही बार रिपीट करेंगे तो इससे ज़्यादा नंबर अब नहीं बन रहा है, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं बन रहा है। अब इसे आपको क्या कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या है, पहले 4, 3, 2 पहले इसे लिखोगे। ठीक है, पहले आप लोग इस तरह से इसे लिखोगे, पहले किसे लिखोगे आप लोग इसे, उसके बाद सेकेंड नंबर पे इसे लिखोगे 4, 2, 3, सेकेंड नंबर पे आप लोग इसे लिखोगे, फिर उसके बाद थर्ड, तो थर्ड में देखो ये है, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये आएगा, उसके बाद फिफ्थ में 2, 4, 3 है बड़ा तो ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इस तरह से आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कर दोगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था। अब क्वेश्चंस में ये था, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है, जिसमें से 1 डिजिट को हम एक ही बार रिपीट करेंगे। तो जैसे उससे पहले छोटा 1, फिर 2, जैसे ऐसे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या आता है, 100, 1 पे 4 टाइम 0, बट उसमें 0 रिपीट कर रहा था, हमें 0 को रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। जब विदाउट रिपीटिंग किए हो कोई नंबर आपका पूछ रहा है ना, तो लगातार लिख दो यूजिंग। अच्छा सॉरी, ये तो बी का आंसर हो जाएगा। अलग अलग डिजिट हमें लिखना था, छोटा नंबर 5 डिजिट का, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0। अब क्वेश्चन में बोला ए में, हम आपको दोबारा से समझा देते हैं, ये बी का था अलग अलग डिजिट का नंबर। ए में जो था स्टूडेंट्स, ए में जो है यूजिंग ओनली 1 डिजिट, एक ही डिजिट लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर तो ये होता है 4 डिजिट का, तो इसे हम करेंगे तब तो इसमें 2 डिजिट आ गया, 1 और 0 2 आ गया। तो हमें तो ये लिखना नहीं था, तो हमें वन एक डिजिट लिखेंगे तो 5 बार 1 लिख देंगे, 5 बार 1 ये आंसर होगा, 5 टाइम्स 1। यहाँ पे देखो आई थिंक हम 6 बार लिख दिए, आप लोग 5 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, एक हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए का। अब बी का आंसर हम ऑलरेडी करा रखे हैं। अब ये बोला यूजिंग डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट रखना है जिसमें विद इन 2 टेंस प्लेस, दो जो है ना वो टेंस प्लेस पे होना चाहिए। पहले तो हम अलग अलग डिजिट लिखते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, आपको याद होगा। बट 2 यहाँ पे 1's 10's 100 पे था, सॉरी 1000 पे, तब 2 को यहाँ रखना। तो जब हम लोग 2 को यहाँ रखेंगे, 2 को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो उससे पहले क्या है, 2 को हम लोग यहाँ रखेंगे। ओके, तो 2 को यहाँ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप लोग, सॉरी देखो दोबारा से बता रहे थे, दोबारा से बता रहे, पहले हम बोले कि अलग अलग नंबर लेते तो हम ये लिखते। अब क्वेश्चन में बोल दिया ना कि 2 हमेशा टेंस पे होगा, तो ये तो 5 होगा ही, तो इसके जब यानी कि 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 5, ये हो जाएगा सबसे छोटा नंबर जब 2 टेंस पे होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन में करना था और किस तरीके से करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का वो ये रहा, लास्ट क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज का वो ये है कि राइट द ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का जितने भी पॉसिबल नंबर बन रहा है आप लोग को लिखना है एट वंस प्लेस 2, और जिस पे वंस प्लेस पे 2 आना चाहिए, देखो हम बता रहे वंस टेंस 100 1000 10000। ठीक है, इस तरह से आपको हम लिख देते हैं, 1000 तक था आई थिंक, 1000 प्लेस
देखो 200 पे 1000 तक ही था, हम लोग 10,000 नहीं भी लिखेंगे, कोई चलेगा ना। आइए बोला कि दो डिजिट का जितने भी नंबर पॉसिबल है आप लोग लिखो, वंस प्लेस पे 2 होना चाहिए, वंस प्लेस पे 2 होना चाहिए, और उसके बाद ये बोला 100 प्लेस पे 3 होना चाहिए, और ये बोला एंड बाकी दोनों पे सेम होना चाहिए, बाकी नंबर पे सेम होना चाहिए 1000, ये बोला एंड 10th और 1000 प्लेस पे सेम होना चाहिए, 10,000 का हमें जिक्र नहीं है, तो कितने नंबर बन सकता है? या तो ये दोनों पे 1 1 बनेगा इस तरह से, या तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पे एक तो 2 3 2 2 होगा, या तो ये हो सकता है कि 3 3 तो है 3 2, या फिर हो सकता है 4 3 4 2, इस तरह से आप लोग ना 5 3 5 2 6 3 6 2, क्योंकि दोनों में सेम सेम, तो 9 तक बन सकता है, 9 3 9 2, तो इतने टोटल 9 नंबर आपको लिखना है, इतने नंबर पॉसिबल है बनेगा। तो आई थिंक आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, पूरी एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर भी स्टूडेंट्स को, किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। देखो हम ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले रहे हैं और थोड़ा, क्योंकि हमें पता है हमें अब समझाना है, आप लोग को दोबारा कर रखो है तो चीज़ों को समझोगे, हम ब्लैक बोर्ड पर सारा कर देंगे, आप लोग देख के कर लोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप लोग खुद से जितने चीज़ों को करोगे, रिविजन्स करा रहे हो, उतना सीखोगे आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।